इस मार्क इंजीनियर्स प्रस्तुत करता है बैग कॉस्टिंग कैलकुलेटर, जिसमें आप पीपी और एचडीपी वोवन बैग की कन्वर्शन या मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्टिंग कैलकुलेट कर सकते हैं। यह एक ऑनलाइन वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर है जो किसी भी इंटरनेट ब्राउजर में चला सकते हैं। इस सॉफ्टवेयर में आप एक वोवन बैग बनाने के लिए रॉ मटेरियल का खर्चा, वर्कर के पगार का खर्चा और मशीन द्वारा इस्तेमाल होने वाली इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा भी गिना जा सकता है, जिसके बेस पर आप जान सकते हैं कि एक बैग बनाने में आपको कितना खर्चा होता है और उसे एक प्रॉफिटेबल अमाउंट में मार्केट में बेच सके। इस सॉफ्टवेयर में आप फिनिशिंग यूनिट में होने वाले प्रोसेस यानी कि कटिंग, स्टिचिंग और प्रिंटिंग प्रोसेस की कॉस्टिंग को गिन सकते हैं। तो देखते हैं कि इस सॉफ्टवेयर को कैसे इस्तेमाल करें। अब मान लेते हैं कि आपके पास एक 24 इंच चौड़ाई और 36 इंच लंबाई की बैग्स को सप्लाई करने का ऑर्डर है, जिसमें बॉटम में सिंगल फोल्ड है जिसकी साइज 1 इंच है। इस ऑर्डर के लिए आपकी रॉ मटेरियल फैब्रिक की परचेस ₹110 प्रति किलो के रेट पर हुई है और जिसका ऑर्डर के मुताबिक ग्रामेज की रिक्वायरमेंट 3 ग्रामेज की है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ग्रामेज डालते ही एक बैग में इस्तेमाल होने वाले फैब्रिक का वजन और उसकी कीमत कैलकुलेट होकर आ गई। अब कुछ और डिटेल्स भरते हैं, जैसे कि ऑर्डर में बैग की क्वांटिटी 50,000 बैग्स है और आपके एरिया में कमर्शियल या इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिसिटी का रेट, जो हम यहाँ पर ₹8 प्रति यूनिट लेते हैं। इस सॉफ्टवेयर में रोल टू बैग कन्वर्शन में इस्तेमाल होने वाली सभी मशीन की प्रोसेस कॉस्टिंग निकाल सकते हैं, जैसे कि कटिंग और स्टिचिंग के लिए BCS मशीन या फिर कटिंग के लिए मैनुअल कटिंग मशीन या ऑटोमेटिक कटिंग मशीन और स्टिचिंग के लिए मैनुअल स्टिचिंग मशीन या ऑटोमेटिक स्टिचिंग मशीन, और आखिर में प्रिंटिंग प्रोसेस के लिए बैग टू बैग फ्लेक्सोग्राफिक प्रिंटिंग मशीन या रोल टू रोल फ्लेक्सोग्राफिक प्रिंटिंग मशीन। इस सॉफ्टवेयर में आप लाइनर का भी कॉस्टिंग और उसके साथ बैग का वजन भी गिन सकते हैं। आज इस वीडियो में हम 3 मशीन कॉम्बिनेशन से कॉस्टिंग निकालते हैं। पहले एग्जाम्पल में हम बिना लाइनर की बैग का कॉस्टिंग गिनेंगे, जिसपे BCS और बैग टू बैग फ्लेक्सोग्राफिक प्रिंटिंग मशीन से प्रोसेस होती है। दूसरे एग्जाम्पल में लाइनर के साथ बैग रखेंगे पर कटिंग प्रोसेस मैनुअल कटिंग मशीन में और स्टिचिंग प्रोसेस मैनुअल स्टिचिंग मशीन पर करेंगे और प्रिंटिंग बैग टू बैग फ्लेक्सोग्राफिक प्रिंटिंग मशीन में करेंगे। तीसरे और आखिरी एग्जाम्पल में हम बिना लाइनर की बैग, जिसपे BCS मशीन और रोल टू रोल प्रिंटिंग मशीन की प्रोसेस कॉस्टिंग निकालेंगे। तो पहले एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। तो पहले हम BCS मशीन पे प्रोसेस कॉस्टिंग कैलकुलेट करते हैं। आप देख सकते हैं कि अपने आप मशीन के सिलेक्शन के मुताबिक पूछे गए सवाल बदल गए। तो अगर आप अपने BCS मशीन पर 1 घंटे में 1,800 बैग कटिंग और स्टिचिंग करते हैं, उसे चलने वाले ऑपरेटर का 1 दिन का पगार ₹900 है और मशीन का पावर रेटिंग 10 HP है। आप अपने BCS मशीन की पावर कंसम्पशन अपने BCS मशीन के मैन्युफैक्चरर से जान सकते हैं। यहाँ पर हमने एग्जाम्पल के दौर पे 10 HP पावर रेटिंग लिया है। तो आप देख सकते हैं कि सॉफ्टवेयर ने BCS की इस प्रोसेस का कॉस्टिंग तकरीबन 10 पैसे से थोड़ा कम कैलकुलेट किया है। यहाँ रिजल्ट BCS मशीन को चलने की इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट, स्टिचिंग में इस्तेमाल होने वाले धागे की कॉस्ट और ऑपरेटर का पगार भी गिना गया है। अब अगला प्रोसेस है प्रिंटिंग। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर प्रिंटिंग के लिए 2 तरह की मशीन का जिक्र किया गया है। पहला है बैग टू बैग फ्लेक्सोग्राफिक प्रिंटिंग मशीन, जिसे मार्केट में मैनुअल फ्लेक्सोग्राफिक प्रिंटिंग मशीन या ड्रम प्रिंटिंग मशीन के नाम से भी जाना जाता है, और दूसरा रोल टू रोल फ्लेक्सोग्राफिक प्रिंटिंग मशीन, जिसे मार्केट में ऑनलाइन प्रिंटिंग मशीन के नाम से भी जाना जाता है। पहले हम बैग टू बैग प्रिंटिंग मशीन से आने वाली प्रिंटिंग कॉस्ट गिनते हैं।
अगर आप एक घंटे में 1500 प्रिंट्स कर रहे हैं और प्रिंटिंग मशीन चलाने के लिए फीडर ऑपरेटर और डिलीवरी साइड पर एक हेल्पर का मिलाकर एक दिन का पगार 900 रुपए गिनते हैं। अब प्रिंटिंग मशीन की पावर रेटिंग एचपी में देखते हैं। प्रिंटिंग मशीन के अलग अलग मॉडल और अलग अलग फीचर्स ऐड करने पर पावर रेटिंग चेंज होते हैं। आप अपने प्रिंटिंग मशीन का पावर कंसम्पशन अपने मशीन मैन्युफैक्चरर से जान सकते हैं। यहाँ पर हम एग्जाम्पल के तौर पे दो कलर का प्रिंटिंग मशीन लेते हैं जिसका पावर रेटिंग 2 एचपी रहता है। अब आपका इस जॉब में दो कलर का प्रिंटिंग रिक्वायरमेंट है, तो आप देख सकते हैं कि सिंगल साइड प्रिंटिंग का कॉस्टिंग 18 पैसे जितना आया है। यह कॉस्टिंग ऑपरेटर्स के पगार, पावर कंसम्पशन और इंक का मैक्सिमम कंसम्पशन को ध्यान में रख के गिना गया है। आप इसे डबल साइड प्रिंटिंग का भी कॉस्टिंग निकाल सकते हैं, पर अभी के लिए हम सिंगल कलर का ही कॉस्ट निकालते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं कि सॉफ्टवेयर ने एक बैग बनाने का खर्चा 7 रुपए और 72 पैसा कैलकुलेट किया है। साथ में ही आपको 50,000 बैग बनाने का टोटल खर्चा और एक बैग का टोटल वजन भी कैलकुलेट हो गया है। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें सेम साइज और ग्रामेज की बैग पर इसमें हम लाइनर भी इंक्लूड करेंगे और कटिंग प्रोसेस मैनुअल कटिंग मशीन और स्टिचिंग प्रोसेस मैनुअल स्टिचिंग मशीन पर करेंगे। तो अब कटिंग एंड स्टिचिंग प्रोसेस में डू यू यूज BCS मशीन फॉर बैग कन्वर्शन के सवाल में नो सिलेक्ट करें। आप देख सकते हैं कि अपने आप सिलेक्शन के मुताबिक सवाल बदल गए। अब डू यू हैव लाइनर इन ऑर्डर वाले सवाल में यस सिलेक्ट करें। यस सिलेक्ट करते ही अपने आप लाइनर के माइक्रोन और लाइनर मटेरियल के परचेस रेट के इनपुट फील्ड आ गए हैं। ये सॉफ्टवेयर आपके बैग की साइज के मुताबिक अपने आप सूटेबल और स्टैंडर्ड लाइनर की साइज सिलेक्ट कर लेता है। और इंडिया में मिनिमम 51 माइक्रोन के लाइनर अलाउड है, इसीलिए पहले से 51 माइक्रोन पहले से सेट है और उस हिसाब से लाइनर का वजन भी कैलकुलेट हो जाता है। आप इसे अपने ऑर्डर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से लाइनर के माइक्रोन बदल सकते हैं। हम इस एग्जाम्पल में 70 माइक्रोन की लाइनर रखते हैं। अगर आपको लाइनर का माइक्रोन नहीं मालूम और गेज मालूम है तो गेज की वैल्यू को 4 से डिवाइड करके माइक्रोन की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब लाइनर की परचेस रेट 140 रुपए प्रति किलो डालते ही एक बैग में लगने वाले लाइनर की कीमत आ जाएगी। अब कटिंग के लिए यहाँ पर मैनुअल कटिंग मशीन सिलेक्टेड रखते हैं और टाइप ऑफ कटिंग मेथड में हॉट कटिंग सिलेक्ट करते हैं। आप देख सकते हैं कि हॉट कटिंग सिलेक्ट करते ही ट्रांसफार्मर के पावर रेटिंग का फीड आ जाता है जिसमें पहले से ही 700 VA की वैल्यू सिलेक्टेड है। आप अपने मशीन के ट्रांसफार्मर की पावर रेटिंग उस पर लगी हुई नेमप्लेट से या मैन्युफैक्चरर से जान सकते हैं। अभी इस एग्जाम्पल में 700 VA ही पावर रेटिंग रखते हैं। अब मैनुअल कटिंग मशीन में एक घंटे की 1200 बैग की कटिंग और मशीन चलाने के लिए दो वर्कर के एक दिन का पगार 700 रुपया गिने तो 8 पैसे से भी कम एक बैग की कटिंग कॉस्ट आती है। अब स्टिचिंग के लिए भी हम मैनुअल स्टिचिंग मशीन सिलेक्टेड रखते हैं। मैनुअल स्टिचिंग मशीन 1 HP पावर पर चलता है, इसलिए पहले से 1 HP पावर रेटिंग एडेड है, पर आप अपने मशीन के मैन्युफैक्चरर से मशीन की पावर रेटिंग जान सकते हैं। अब मैनुअल स्टिचिंग मशीन पर 1200 बैग एक घंटे में स्टिचिंग करें और स्टीचर और हेल्पर का एक दिन का पगार मिलाकर 1200 रुपया होता है तो एक बैग के स्टिचिंग का खर्चा 13 पैसा होता है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी, पगार और धागे का खर्चा आ जाता है। प्रिंटिंग प्रोसेस के लिए हम इस एग्जाम्पल में बैग टू बैग प्रिंटिंग मशीन ही रखते हैं, तो प्रिंटिंग कॉस्टिंग पिछले एग्जाम्पल जितना ही होगा। अब इस लाइनर वाली बैग का कॉस्टिंग हुआ 20 रुपए 1 पैसा और एक बैग का लाइनर के साथ वजन हुआ 154 ग्राम।
अब तीसरा एग्जाम्पल जिसमें हम कटिंग एंड स्टिचिंग प्रोसेस BCS मशीन में करेंगे और प्रिंटिंग प्रोसेस रोल टू रोल प्रिंटिंग मशीन में करेंगे। क्योंकि हम सभी प्रोसेस फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन में कर रहे हैं तो हम ऑर्डर क्वांटिटी बढ़ा देते हैं जिससे कॉस्टिंग फिसिबल रहे। 50,000 की जगह पर 3,00,000 बैग का ऑर्डर रखते हैं। अब कटिंग एंड स्टिचिंग प्रोसेस के लिए BCS मशीन सिलेक्ट करते हैं, मगर इस बार हम प्रोडक्शन स्पीड बढ़ाते हैं। 1,800 की जगह पर 2,100 बैग्स एक घंटे की रखते हैं। आप देख सकते हैं कि प्रोडक्शन स्पीड बढ़ाते ही प्रोसेस कॉस्ट कम होकर 8 पैसे तक पहुंच गई। अब प्रिंटिंग प्रोसेस के लिए रोल टू रोल फ्लेक्सोग्राफिक प्रिंटिंग मशीन सेलेक्ट करते हैं। रोल टू रोल प्रिंटिंग मशीन में प्रिंटिंग स्पीड मीटर पर मिनट में नापा जाता है। इस एग्जाम्पल में हम प्रिंटिंग स्पीड 50 मीटर पर मिनट रखते हैं और मशीन के ऑपरेटर का एक दिन का पगार 800 रुपए रखते हैं। मशीन का पावर रेटिंग हीटर के साथ 17 HP गिनते हैं। आप अपने रोल टू रोल प्रिंटिंग मशीन का पावर रेटिंग मशीन मैन्युफैक्चरर से जान सकते हैं। इस एग्जाम्पल में हम 4 कलर का प्रिंटिंग जॉब रखते हैं। अगर आपका प्रिंटिंग जॉब 4+0, 3+1 या 2+2 का है तो आपको 4 ही सेलेक्ट करना है। 5+0, 4+1, 3+2 हो तो 5 सेलेक्ट करना है। इसी तरह हम 2 कलर, 3 कलर और 6 कलर के कॉम्बिनेशंस में जा सकते हैं। आप देख सकते हैं कि प्रिंटिंग कॉस्ट एक बैग के लिए 26 पैसे जितना आया है और पूरे बैग को बनाने को कॉस्टिंग 7 रुपया 78 पैसा आया है। तो अब आप जान गए हैं कि इस सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करके कैसे बैग की कन्वर्शन कॉस्टिंग निकाले। ध्यान रहे, ये सॉफ्टवेयर सिर्फ कन्वर्शन कॉस्टिंग निकालता है जिसमें रॉ मटेरियल की कॉस्टिंग, वर्कर्स के पगार और मशीन्स की इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट कैलकुलेट करती है। इसमें आपके यूनिट में होने वाले दूसरे खर्चे इंक्लूडेड नहीं है, जैसे कि रेंट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और दूसरे इक्विपमेंट द्वारा खर्ची गई इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट। इन सब कॉस्ट को आप आपके सेलिंग में ग्रॉस मार्जिन में ऐड कर सकते हैं। आशा करते हैं कि आपको यह सॉफ्टवेयर यूजफुल लगे और आपके बिजनेस की तरक्की का भाग बने।